नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन सरकार क्यों कर रही है, क्या रीजन है। क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन, यानी कुछ बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अपनी प्रोसेस तेज कर दी है, और इसको लेकर काफी सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं कि इससे हमारी जॉब चली जाएगी, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करके सारी चीजों को बेच रही है। और ये एक इल्जाम भी जो है जैसे कि गवर्नमेंट के ऊपर लगता आया है कि जो गवर्नमेंट है वो सारी चीजों को प्राइवेट के हाथों बेच रही है। तो यहाँ पर इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरकार ने क्या किया, जितने भी जो गवर्नमेंट बैंक हैं उनमें से कुछ एक का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, और उनके प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने जो एक तरीके से अग्रिम कार्रवाई यानी एडवांस एक्शन को इसको तेज कर दिया। इन्होंने अपने जो प्राइवेटाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है इसको इन्होंने तेज कर दिया। और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर लगाम लगानी है। इन्फ्लेशन बोले तो सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि महंगाई, इसके ऊपर लगाम लगाना चाहती है गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको लाना चाहती है, उसमें ग्रोथ करना चाहती है, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहती है और उसमें ग्रोथ करना चाहती है। जैसे कि इकोनॉमी जो है हमारे देश की, अब वो बोले कि ये डाउन जा रही है तो इसे गवर्नमेंट तेज करना चाहती है। वो कैसे होगा, वो प्राइवेटाइजेशन करके होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और हम गवर्नमेंट का तर्क भी जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रही है, फिर हम इसके विपक्ष में जो बातें हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक कंपनी है 100%, वो आपकी खुद की है। अब अगर ये आपकी तब तक रहेगी जब तक आपका इसका 51% हिस्सा आपके पास रहेगा, और जैसे 51 का मतलब कि आपके पास अगर 49% हिस्सा भी आपके पास रहा, आपने दूसरे को 51% हिस्सा भेज दिया, तो इस 100% कंपनी के मालिक जो है वो दूसरा कोई इंसान बन जाएगा, आप नहीं रहेंगे। सेम यही होता है प्राइवेटाइजेशन। अगर सरकार अपना स्वामित्व यानी कि अपनी एक तरीके से जो ओनरशिप है किसी कंपनी में, यानी कहें कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपनी ओनरशिप को अगर वो कम कर देती है, 50% से नीचे ले आती है और प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कंपनी को हस्तांतरित कर देती है, तो इसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। इसमें सरकार जो है वो एक तरीके से जो भी इसकी इकाई या व्यवसाय का स्वामी नहीं रह जाती, यानी उसका ओनर नहीं रह जाती। प्राइवेटाइजेशन की आप कहेंगे कि अभी शुरू हुआ है क्या, नहीं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले से ही शुरू कर दिया गया था। 1991 की जो पॉलिसी आई थी, रिफॉर्म पॉलिसी जिसको कहा गया था, एक ऐतिहासिक एलपीजी जिसको यानी नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहेंगे या एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में शुरू कर दिया गया था। 1991 से अगर आप हमारे देश की एक सोच देखें तो सोशलिस्ट कंट्री जो है हमारे देश को कहा गया था, अभी भी है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को भी अपना रखा है, तो सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म ये दोनों मिलकर हमारे देश में चलती है। तो 1991 से जो हमारी एक पहले 1991 से जो अप्रोच रहा करती थी हमारे देश की या गवर्नमेंट की, वो ये रहा करती थी कि सारी कंपनियों के ऊपर जो है अधिकार या ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट किया करती थी, बहुत कम प्राइवेट सेक्टर हुआ करते थे। लेकिन 1991 में जैसे रिफॉर्म पॉलिसी आती है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, तब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी एक तरीके से फील्ड में उतरने का मौका देती है, बहुत सारी चीजों को वो प्राइवेट करना वहां पर स्टार्ट कर देते हैं। अब प्राइवेट करते क्यों है, देखिए प्राइवेट जो किया जाता है किसी भी चीज का प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट जो कंपनी है या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आप कभी वहां पर एफिशिएंसी की बात करना, बहुत एक हाई एफिशिएंसी रहती है, वो ऑब्जेक्टिव रहता है उनके अंदर, जो कि आप गवर्नमेंट बैंकिंग के अंदर आप देखते हैं तो उसमें वो दिखता नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट के अंदर जो आप एक बार सर्विस लेने जाते हैं, आप कभी भी इस चीज को कंपेयर करके देखिए, आप एक गवर्नमेंट बैंक में गए और एक प्राइवेट बैंक में गए, आपको सबसे ज्यादा तेज काम इस प्राइवेट बैंक में होता हुआ मिलेगा। इतना ज्यादा ये तेज काम करते हैं कि गवर्नमेंट वालों के लिए यहां पर अपने लिए कस्टमर बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर जैसे इल्जाम लगता है कि गवर्नमेंट का यहां पर सरकारी जो कंपनी वो चिंतित नहीं होती इस तरीके को लेकर, तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन यहां पर भारी हो जाता है। अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देखिए 1969 के अंदर
14 सबसे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया था। और इसका उद्देश्य, जैसे यहां पर लिखा गया है ना, इसका उद्देश्य 1969 की बात है, देखिए 1991 के अंदर हमारे देश के अंदर एलपीजी एक पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, एल से पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी हम लेकर आते हैं 1991 के अंदर। अब बात हो रही है 1969 की, यानी इससे पहले टाइम की। तो यहां पर 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनका एक तरीके से नेशनलाइज किया गया था उन प्राइवेट बैंकिंग को। और इसके पीछे जो मेन उद्देश्य जो था वो बैंकिंग क्षेत्र के उस वक्त की जो सरकार थी वो एक समाजवादी दृष्टिकोण के साथ, यहां पर ध्यान रखना है कि समाजवादी दृष्टिकोण, यानी एक जो सोशलिस्ट अप्रोच थी गवर्नमेंट की, उन्होंने वो अपनाई थी। क्योंकि अब यहां पर सोशलिस्ट का अप्रोच का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सारा ओनरशिप अपने पास रखेगी, प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं देगी। तो यहां पर ये अप्रोच 1969 के अंदर अपनाई गई थी। और भारतीय स्टेट बैंक SBI 1955 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1956 के अंदर जो बीमा क्षेत्र है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पिछले 20 सालों में विभिन्न सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यानी कि PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो बैंक के निजीकरण के पक्ष में और विरोध में रही है। 2015 में सरकार ने निजीकरण का यानी प्राइवेटाइजेशन का सुझाव दिया था, लेकिन उस वक्त के जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के जो गवर्नर थे उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया था। अब निजीकरण के मौजूदा कदम पूरी तरह से बैंकों के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना के साथ वित्तीय क्षेत्र की चुनौतियों के लिए बाजार के नेतृत्व वाले समाधान खोजने के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा एक बैड बैंक भी इसकी स्थापना की गई है। बैड बैंक का मतलब यह होता है, जो यहां पर लिखा हुआ ना बैड बैंक, इसका मतलब यह होता है कि एक बैंक है, उससे किसी व्यक्ति ने मतलब कि मान लेता हूं एक पर्सन है, इसने लोन लिया। अब ये लोन लेने के बाद इसको चुका नहीं पाया, तो अब इस बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि भैया ये लोन लेकर आए, अब बैंक वसूली करे या अपना काम करे। इस तरीके को निपटाने के लिए एक अलग से बैंक का निर्माण किया, जिसे बैड बैंक कहा गया। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक बैंक है। तो यहां पर निजीकरण करना, बैड बैंक की स्थापना करना, ये कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उनको खत्म किया जा सके। अब केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में दो सार्वजनिक बैंक को उनको प्राइवेटाइजेशन करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनसे लेकर उनसे रिलेटेड कोई अभी भी अमेंडमेंट या संशोधन नहीं किया गया है, जिससे कि उनमें अपनी बहुमत हिस्सेदारी वो जो गवर्नमेंट है वो बेच सके, उनको अनुमति यहां पर मिल सके, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मतलब हाँ, घोषणा कर दी थी 2021-22 के बजट के अंदर कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे दो बैंक का, लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कुछ आगे न्यूज आई नहीं है। अब निजीकरण के कारण क्या है, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक को वित्तीय स्थिति में गिरावट आपको देखने को मिलता है कि जितने भी जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत लो रहती है। एक चीज आपको कभी भी नोटिस करने को हो तो ध्यान रखना कि गवर्नमेंट का कभी काम ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए। गवर्नमेंट का काम होता है कि जितना हो सके जो जनता है उसके ऊपर, वो उनके वेलफेयर के ऊपर वो खर्चा करे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर प्रॉफिट कमाने पे आएगी तो वो वहां पर जो जनता है जिन्होंने सरकार को बनाया हुआ है, जो लोग हैं जिनको चुनकर भेजा हुआ है, वो उनके वेलफेयर के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए। उनका सारा काम होता है जनता की वेलफेयर या फिर देश को इसमें डेवलपमेंट करना, सारा काम उसका उन्हीं में लगा रहता है। तो कभी भी देखना, कोई भी रेलवे आप देख लें, कोई भी आप अगर बैंकिंग सेक्टर आप देख लें जो गवर्नमेंट के अधीन है, तो ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको लॉस में जाती हुई दिखती हैं, क्योंकि जनता के ऊपर ये थोप नहीं सकते। तो यहां पर ये बोला गया है कि वर्षों से पूंजीगत निवेश और शासन सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं कर पाए। यानी कि काफी टाइम से गवर्नमेंट रिफॉर्म्स किए गए लेकिन बावजूद इसके कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली किसी भी गवर्नमेंट बैंकिंग के अंदर। और उनमें से जो गवर्नमेंट बैंक है काफी सारे ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिनके पास एक तरीके से हम कहेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर उनसे भी उनकी बुरी स्थिति पहुंच चुकी है, ये हमें देखने को मिला है। अब एक दीर्घकालिक परियोजना का हिसाब, देखिए दो सार्वजनिक बैंकों
जो भी दो सार्वजनिक बैंक है उनका अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है तो एक लॉन्ग टर्म परियोजना की शुरुआत हो जाती है, जिसके तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक बैंक ही जो है, या कहेंगे कि कुछ गवर्नमेंट बैंक ही रह जाएंगे और बाकी के जो बैंक है उनको मिलाकर एक बैंक बना दिया जाएगा या फिर उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो ये सारी हमें देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। और सरकार की जो स्टार्टिंग की जो परियोजना थी, जो एक प्लानिंग थी, वो ये थी कि जो स्टार्टिंग में 4 बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, लेकिन सरकार ने सोचा पहले 2 बैंक का एक बार अगर सक्सेस हो जाता है उनका प्राइवेटाइजेशन तो आने वाले टाइम में 2 या 3 उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। और यह निर्णय सरकार के जो कि बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी को बैंक के वर्ष प्रतिवर्ष वित्त सहायता प्रदान करने के दायित्व से मुक्त करती है, यानी कि सरकार काफी टाइम से लोन माफ कर देती है या फिर एक तरीके से जो भी बैंकिंग होते हैं गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनके जो भी उनके पास नुकसान हुआ है, उनके लोन उनको वापस नहीं मिला है तो उनका भरपाई करना है सरकार को खुद करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक दायित्व होता है कि उस कर्जे को ये संभाले, उसमें बैलेंस करे। तो यहां पर सरकार उस काम से मुक्त हो जाएगी अगर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। और बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा कुछ उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप अब ये देखने को मिला है कि आज की डेट में 12 ही जो है गवर्नमेंट बैंक मौजूद है, जिनकी संख्या कभी 28 हुआ करती थी। तो देख रहे हो कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो कैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अब एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है कि वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाना। अब या तो वो अपने प्रॉफिट के ऊपर काम कर ले या फिर वो अपनी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर काम कर ले, तो यहां पर बैंकिंग सेक्टर एक अलग सेक्टर हो जाता है। हाँ, हालांकि काफी सारे लोगों ने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ अपने सजेशन दिए हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे सुधार सकती है, लेकिन काफी सारे इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होती है तो इससे एफिशिएंसी आती है और गवर्नमेंट का सिर्फ काम यह रह जाएगा कि कोई प्राइवेट बैंक का वो काम सही ढंग से करे, लोगों को वो ठगे ना। तो यहां पर एक तरीके से काम गवर्नमेंट का सुपरवाइज करना रह जाएगा बैंक को, ना कि बैंक में खुद जाकर सारी चीजों को मैनेज करना। और अगर आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट जो भी मतलब कि प्राइवेट करती है किसी भी चीज को, तो यहां पर एक तरीके से ऐसा ना देखा जाए कि बेच रही है। बेचना कुछ नहीं होता यहां के अंदर। गवर्नमेंट यहां पर स्कीम धीरे धीरे पैसा लेकर आती है ताकि आप ही लोगों के मतलब कि जो जनता है उनके ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर वो चीजें खर्च की जा सके। और आने वाले टाइम में देखिए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के पास कुछ और नया काम आएगा तो उस चीज के ऊपर वो फोकस करेंगे, बावजूद इसके कि जो पुरानी चीजें हैं उनको। तो यहां पर एक तरीके से इसको आगे बढ़ना कहा जाता है। इसको ऐसे नहीं कहेंगे सब चीजें बेच दी हैं। काफी सारे लोग खड़े होकर बात करते हैं कि अरे सब चीजों को बेच दिया गया। अगर प्राइवेट सेक्टर होंगे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जैसा बोला जाता है कि जॉब क्रिएशन ज्यादा होंगी यहां पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब एट द सेम टाइम इसको काउंटर करने के लिए काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अभी आपको चल के मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारे समाज के अंदर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको प्राइवेट सेक्टर में काफी चीजों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आरक्षण नहीं होता, ये इल्जाम लगता भी आया है। खैर, बैंकों का मजबूतीकरण प्रदान करना, ठीक है, सरकार बड़े बैंकों को अधिक मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बैंकों की संख्या में भी कमी की जा रही है। अलग अलग समितियों ने सिफारिश भी की थी, काफी सारी समिति थी जिन्होंने कहा था गवर्नमेंट को कि आप अपना हिस्सा 51% से भी कम कर लीजिए, इतना हिस्सा कर लीजिए। एक नरसिम्हन समिति थी, उन्होंने तो कहा था कि गवर्नमेंट को अपना हिस्सा 33% कर लेना चाहिए, इतना तो ही सीमित रखें। एक पीजे नायक समिति थी, उन्होंने कहा था कि 50% तक ही हिस्सेदारी तक रखना चाहिए। इवन आरबीआई की एक जो एक कार्यकारी एक वर्किंग ग्रुप था, उन्होंने हाल ही में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बड़े व्यवसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया था कि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आए। अब बड़े बैंकों का निर्माण, देखिए प्राइवेटाइजेशन का एक उद्देश्य बड़े बैंक बनाना भी है। जब तक निजीकृत यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मौजूदा बड़े निजी बैंक में विलय नहीं किया जाएगा तब तक वे उच्च जोखिम यानी कि ज्यादा रिस्क नहीं उठा पाएंगे, ज्यादा लोगों को उधार नहीं दे पाएंगे, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। ऐसे में निजीकरण एक बहुत एक मल्टी फेज टास्क है जिसके अंदर काफी सारी चुनौतियों से निपटना पड़ेगा डेफिनेटली, और नए विचारों की खोज करने के लिए सभी के सभी एंगल के ऊपर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए एक अधिक सतत और मजबूत बैंकिंग प्रणाली विकसित करने का एक मार्ग प्रशस्त भी कर सकता है। अब इससे जो रिलेटेड मुद्दे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया पक्ष में बात, जो गवर्नमेंट कह रही है। अब विपक्ष में आते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होगा।
क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिसे क्रोनीवाद भी कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसको आप निजीकरण के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप उनको प्राइवेट कंपनी को बेच रहे हो। ये बेचने के समान ही है, जिससे क्या होता है पीएसबी के ऋण को वापस नहीं, जिन्होंने एक ऐसा बहुत एक बढ़िया पॉइंट मुझे लगा कि जो लोन लेकर बैठे हैं गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट बैंकिंग है, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनसे लोन लेके बैठे हैं और उनको लोन वापस नहीं दिया है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अपने बैंक उन्हीं प्राइवेट सेक्टर्स को बेच रही है, जिससे तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो यही बोला गया कि जिनमें से पीएसबी से जो इन्होंने ऋण को वापस नहीं किया, आप उन्हीं को अपना बैंक मतलब कि उन्हीं को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, या फिर उन्हीं प्राइवेट के हाथ प्राइवेट सेक्टर के हाथों इस निजीकरण कर रहे हो। तो यहां पर एक तरीके से क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। क्रोनी पूंजीवाद का मतलब होता है कि एक तरीके से काफी जगह भ्रष्ट चीजें आ जाएंगी, यहां पर कोई भी सोशल वर्क नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो काफी बहुत गंभीर इशू भी यही है। और यहां पर नौकरी का नुकसान भी बोला गया। देखिए, निजीकरण से बेरोजगारी, शाखा बंद होना, वित्तीय बहिष्करण जैसी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। और यहां पर एक तरीके से बेरोजगारी, तो मैं ये कह सकता हूं कि देखिए प्राइवेटाइजेशन होती है तो काफी सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। अब यहां पर प्राइवेटाइजेशन से काफी सारे लोगों को जॉब भी मिलती है, जॉब क्रिएट भी होती है यहां पर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। तो ये बेरोजगारी का एक मुद्दा तो मुझे यहां पर वीक लगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है मुझे ये काफी एक रेलेवेंट लगा। जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो रियल में जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनके पास अवसर बहुत कम होते हैं, अगर आप निजी क्षेत्र कर देंगे तो इन कमजोर वर्गों का जो आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करते हैं, ऑब्वियसली जो भी निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट क्षेत्र है, वो आरक्षण का पालन नहीं करते हैं। जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, जो भी एससी एसटी ओबीसी, जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग है, उनको यहां पर जॉब लेने में बहुत ज्यादा एक तरीके से किल्लत आएगी। मतलब कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत, या फिर कहें कि उनके पास इतने अवसर नहीं है, उनके पास वो संसाधन नहीं है, बावजूद इसके कि जो शहर में जो इंसान बैठा है उसके पास ज्यादा संसाधन है, वो बैंकिंग सेक्टर में जल्दी चला जाएगा। जो गांव में बैठा है, जो एससी एसटी जिनके पास पैसे नहीं है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो यहां पर एक सबसे बड़ा इशू ये भी निकल के आता है। इसके अलावा जो कमजोर वर्ग है उनका वित्तीय बहिष्करण, देखिए निजी क्षेत्र के बैंक है वो अधिक संपन्न वर्ग हो, यानी कि जो एक तरीके से उनका कंसंट्रेट कहाँ होता है, जो एफ्लुएंट सेक्शन होता है, जो यानी कि महानगरीय है, यानी जो मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज होते हैं, उनके ऊपर इनका फोकस होता है, उस आबादी के ऊपर इनका फोकस होता है, जिससे समाज के जो कमजोर वर्ग है, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनका एक तरीके से बहिष्कार हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट का काम होता है कि हर नागरिक तक वो पहुंच बनाए, वो गवर्नमेंट ही जा सकती है। लेकिन जैसे कि अभी हाल ही में आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि यहां पर जो दिल्ली के अंदर जो मेट्रो है, इसको कुछ टाइम के लिए रिलायंस के द्वारा मतलब कि चलाया गया था, लेकिन रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो छोड़कर भाग गई थी। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो भले ही गवर्नमेंट को नुकसान हो, तो गवर्नमेंट छोड़ के नहीं भागती है। अब यहां पर बोला गया है कि इनका जो फोकस है वो ज्यादातर तो मेट्रोपॉलिटन या जो हाई जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर इनका फोकस होगा प्राइवेटाइजेशन का, जो प्राइवेट सेक्टर है उनका। लेकिन जो रूरल एरिया है उनके ऊपर फोकस कौन करेगा। जहां पर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उनका काम ही होता है कि वेलफेयर स्कीम्स को आगे लेके आना, हर नागरिक को जो है हम एक कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लाइन के अंदर उनको लेकर आना। तो यहां पर गवर्नमेंट ही है जो इनको आगे लेकर आती है, अगर प्राइवेट कर दोगे तो इनका ध्यान कौन रखेगा। अब बेल आउट ऑपरेशन, देखिए बैंक यूनियन ने जो प्राइवेटाइजेशन है उस प्रक्रिया को कॉर्पोरेट डिफॉल्टर के लिए बेल आउट ऑपरेशन का नाम दिया। बड़े पैमाने पर जो ऋण के अंदर फंसे हैं, जो डेट के अंदर फंसे हैं, निजी क्षेत्र जिम्मेदार है। मतलब कि सबसे ज्यादा तो लोन लेकर बैठा ही कौन है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर है उनसे कौन लेके, ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर वही तो लोन लेके बैठा है, वही तो जिम्मेदार है। और उन्हें इस अपराध की मतलब सजा देने के बजाय सरकार बैंकों के निजीकरण के हवाले कर उन्हें एक तरीके से रिवॉर्ड कर रही है। तो ये काफी एक सीरियस इशू भी हम कह सकते हैं। आगे की राह क्या हो सकती है, देखिए पीएसबी के शासन और प्रबंधन में सुधार करना होगा, उन्हें इंप्रूव करना होगा। ऐसा करने के एक उपाय दिया गया था पीजे नायक समिति के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि जहां सरकार और जो हायर सार्वजनिक क्षेत्र जो नियुक्तियां होती हैं उनके बीच में दूरी बना के रखो। मतलब कि सरकार अलग रहे, जो गवर्नमेंट है वो अलग रहे, और जो भी यहां पर जो टॉप पब्लिक सेक्टर अपॉइंटमेंट है उनके बीच में दूरी बना के रखो।
ये बोला गया था, लेकिन इस चीज को एक तरीके से आपने देखा कि जिसके संबंध में सारे जो कार्य बैंक बोर्ड ब्यूरो के से करने थे वो ये तरीके से, मतलब कि इनकी नियुक्तियां होनी थी, ये गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसके अंदर रहता है, जिससे ये समिति की जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी वो सही ढंग से लागू नहीं हो पाई। अब एक तरीके से यहां बोला गया कि अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय जो पीएसबी है उनको जीवन बीमा निगम एलआईसी के तरह निगम में यानी कॉरपोरेशन के रूप में रूपांतरित कर दो, उसके रूप में ट्रांसफर कर दो, उसको सरकारी स्वामित्व बनाए रखते हुए इनका निगमीकरण पीएसबी को अधिक स्वायत्ता प्रदान करेगा, यानी उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर काफी सारे उपाय भी आपको देखने को मिलेंगे। खैर, यहां पर आपका क्या मत हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन और जैसे कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन करना सही है या गलत है, लेकिन काफी सारे लोग इसमें यही कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन करने से नौकरी चली जाती है, या फिर कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है सारी चीजों को बेच रही है, एक तरीके से इल्जाम भी लगता है। लेकिन आपको एक तरीके से आप यहां पर कोई भी बायस पर ना दिखाते हुए अनबायस होकर अपना एक आंसर या फिर कहें कि अपना एक सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।